तो भाई शायद से एक और यहाँ पे स्कैम होने वाला है। यहाँ पे आप वेनम से जो उम्मीद है ना वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट को लेके। जो सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें दोस्तों वो है वेनम का। वेनम का भाई कल से ही काफी ज्यादा इसका हाइप बना हुआ है कि भाई इसका एयर ड्रॉप मिला नहीं है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा। आप लोग मुझे कितना सारा कमेंट कर चुके हो टेलीग्राम पे, भाई कमेंट में तो बाहर आ गई है, इतने सारे कमेंट आप लोगों ने किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर इसका जो वेनम का जो हम लोगों ने इसका जो रिवार्ड सेंटर था यहाँ पे आके देखोगे तो भाई इसका जो टाइमर है ना वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी यहाँ पे ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी 1 डे दिखा रहा है, कभी 5 आवर दिखा रहा है, कभी 8 आवर दिखा रहा है। जब ये नज़दीक आ रहा है मतलब ये 5 घंटे जो है ख़त्म होने को रहते हैं तब फिर से एक नया टाइमर आ जाता है। अब पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं, रिवार्ड देंगे या फिर नहीं देंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने बोला है क्लेम योर टेस्टनेट रिवार्ड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, वी डिसाइडेड टू सेंड योर NFT डायरेक्ट टू योर वैलेट, डिस्ट्रीब्यूशन हैज कमेंट टू 8 AM UTC टाइम। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको क्लेम नहीं करना है, हम जो आपका रिवार्ड है वो डायरेक्टली आपके वैलेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब किसको ट्रांसफर करेंगे किसको नहीं करेंगे ये पूरा का पूरा मतलब सीन बना दिया, कॉन्फिडेंशियल ही रह गया दोस्तों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा ना कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर अगर आप आते हो वेनम का जो वैलेट है यहाँ पे आने के बाद NFT के सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर अभी मैंने एक NFT को ऐड किया है। इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐड NFT पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे। अब ये जो NFT है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनम अर्ली पार्टिसिपेंट NFT है। अब इसका क्या यूज़ है नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, या फिर ये जो लोग बोल रहे हैं कि जो NFT देंगे क्या वो यही NFT है ये भी मुझे अभी मालूम नहीं है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बट ये NFT आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को विजिट करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा नीचे आप आओगे तो भाई लिस्टिंग के तो बारे में पूरा अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ लिस्ट हो गया, वहाँ लिस्ट हो गया, इस ट्रेडिंग पेयर में भाई लिस्ट हो गया। बट बात जहाँ रिवार्ड की आ रही है ना वहाँ पे लोग भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे 13 घंटे पहले एक ट्वीट भी किया है कि रिवार्ड्स ऑन वेनम नेटवर्क इज लाइव, यूजर हु पार्टिसिपेटेड इन वेनम टेस्टनेट आर एलिजिबल टू रिसीव NFT पास, फर्दर अनाउंसमेंट विल मेड रिगार्डिंग द NFT यूटिलिटी सून। यानी बोल रहे हैं दोस्तों कि जो लोग भी यहाँ पे टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किए रहेंगे और एलिजिबल रहेंगे उनको NFT पास दिया जाएगा, और ये जो NFT पास है अभी इसका यूटिलिटीज कुछ नहीं है बट इसे अनाउंस किया जाएगा कुछ दिन बाद या फिर जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। इसे दोस्तों आप यहाँ पे ओसिस गैलरी पे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं, टू क्वालिफाई द NFT क्लेम यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 22 टास्क डेट वेयर बिफोर द टेस्टनेट स्नैपशॉट ऑन 7 मार्च 2024, दिस एक्सक्लूड्स वेनम पूल, वेनम लॉन्च एंड OKX। यानी बोल रहे हैं कि आपके पास कम से कम 22 NFT होने चाहिए, 22 टास्क आप कंप्लीट करने किए होने चाहिए यहाँ पे 7 मार्च 2024 से पहले, और इसमें जो है दोस्तों वेनम पूल का टास्क, वेनम लॉन्च का टास्क और OKX का टास्क जो है वो एक्सक्लूड रहेगा, यानी यहाँ पर इसे काउंट नहीं किया जाएगा। अब भाई अगर मैं अपना NFT देखूँ तो यहाँ पे मैंने 23 NFT जो है वो मिंट किया है। अब 23 में ऑलरेडी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 3 NFT जो है वो इंक्लूड नहीं होगा और हमने ये टास्क किया हुआ है तो हमारे पास टोटल 20 NFT ही बचते हैं, और इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि 22 NFT आपके पास होना चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इस केस में तो भाई मैं भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ और मे भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो भाई ये पूरी तरीके से भाई बोल दिए हैं कि हम रिवार्ड नहीं देंगे, मतलब आप उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। अब भाई ओसिस गैलरी में जो कि इनका NFT मार्केट प्लेस है यहाँ पे आने के बाद अपना जो वेनम वैलेट है वो आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो NFT रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये वही NFT है जो कि मैंने आपको बोला कि कॉन्टैक्ट एड्रेस आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा, ये वही NFT है। और इसका कोई भी अभी प्राइस वगैरह हमें शो नहीं कर रहा है कि इसका क्या प्राइस होगा, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि इसका जो यूटिलिटी है वो जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैं अपने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेनम नेटवर्क को लेके, वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट वेनम नेटवर्क, योर लॉल यूजर डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू पार्टिसिपेट इन टेस्टनेट एज यू गाइस सेड इट विल बी इंसेंटिवाइज। यानी पहले ही लोगों ने बोला था कि ये इंसेंटिवाइज होगा, इसका रिवार्ड मिलेगा, बट नाउ यू आर गिविंग नथिंग टू योर ऑडियंस, मेक अ डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल बिफोर योर यूजर स्टार्ट ट्रेलिंग वेनम स्कैम। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आने के बाद इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, रीट्वीट करें और यहाँ पर कमेंट में वेनम स्कैम को लेके अपना जो ओपिनियन है वो आप ज़रूर बताएं।
इनको बोले कि भाई रिवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो आप जो कुछ भी आपका मन करे ना, वेनम स्कैम वेनम कुछ भी, मतलब हैशटैग लगा के ज़रूर से आप यहाँ पे कमेंट करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचाए। साथ साथ दोस्तों आप हमें फॉलो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर वेनम का ये अपडेट है जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों आ रहा है यहाँ पे डॉप टेस्टनेट का। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ऑल टास्क हमने कंप्लीट किया था, तो इन लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया है 5 घंटे पहले, जो कि आप देख सकते हैं, ग्रेट न्यूज फॉर रिवार्ड एलिजिबल टेस्टनेट यूजर, यानी टेस्टनेट यूजर को यहाँ पे रिवार्ड जो वो दिया जाएगा। वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ थिंग्स इजियर टू यू लेट क्लेम 100% ऑफ योर टोकन्स इन वन ट्रांजेक्शन इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल प्लान टू स्प्लिट द क्लेम्स बिटवीन टू सेपरेट डेट्स, सो गेट रेडी टू क्लेम ऑल योर टोकन्स एट वंस, सेव ऑन गैस फी। यानी इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे प्लान आया है भाई, कि यहाँ पर जो भी आपका टोकन रहेगा ना एलिजिबल होने के बाद, जो भी आपको टोकन मिलना है उसे आप 100% क्लेम कर सकते हो। पहले इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि इसे 2 बार में लोगों को क्लेम करवाएंगे, बट अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इसे आप 100% क्लेम कर सकते हो, जिससे आपका जो गैस फी है ना वो आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है दोस्तों। अभी इसका क्लेम का कुछ अपडेट नहीं है कि कब आप इसे क्लेम कर सकते हैं, बट जैसे इसका कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों आ रहा है ग्रास माइनिंग को लेकर। ग्रास माइनिंग के ऊपर मैंने कल ही आपको वीडियो बनाया था कि भाई इसका जो 100 आवर्स का अप टाइम है वो आपको मे बी कंप्लीट करना पड़ेगा, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई इसका कुछ ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है दोस्तों। और अभी एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेफरल डेट हैव रीच्ड 100 आवर्स ऑफ योर अप टाइम, यानी जिसको भी अगर आपने रेफर वगैरह किया है उसका भी 100 आवर्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे पेंडिंग रेफरल जो है, तो पेंडिंग रेफरल्स आर ऑन दियर वे टू 100 आवर्स ऑफ अप टाइम, यानी कुल मिला के बात यह है कि जो कुछ भी अगर आपने रेफर किया है तो उनका भी 100 आवर्स होना चाहिए, और साथ साथ आपका भी यहाँ पे 100 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब ये भी कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं है, बट फिर भी ये वायरल हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसे कंप्लीट करना है। होप सो ऐसा वो लोग भी अनाउंस कर दे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम आपको 9 अप्रैल से पहले जो है वो कर लेना है, यानी आपके पास कम से कम 12 दिन बचे हुए हैं। 12 दिन तक आप लगातार इसको जो कुछ भी माइनिंग वगैरह है ना वो आप करते रहिए। सिंपल सा काम रहता है, आपको इसके वेबसाइट पे आना है और जो भी एक्सटेंशन आपने कनेक्ट किया है ना वो आपको कनेक्टेड रहने देना है और इससे माइन होते रहना है। जैसे कि अभी मेरा जो यहाँ पे अप टाइम दिखा रहा है 2 डेज 17 आवर्स 2 मिनट्स अभी यहाँ पे बता रहा है। अब पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ पे काउंट करेंगे या फिर ना करेंगे, बट ऐसा सीन अभी चल रहा है मार्केट में, ऐसा र्यूमर है, तो डेफिनेटली आपको इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है यहाँ पे मोमो AI के तरफ से। मोमो AI का मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे, और रिसेंटली मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया है कि मोमो AI लिस्टिंग सून। मैंने इसका क्यों बोला है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, सिंपल सा आपको यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू इसे माइनिंग करना रहता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे माइनिंग वगैरह होता रहेगा, वो आप यहाँ पे कर लेना, सिंपल सा प्रोसेस रहता है। बट इसका अपडेट ये है दोस्तों कि यहाँ पे इन लोगों ने अपना जो पब्लिक सेल है ना वो यहाँ पे स्टार्ट करने का प्लान कर चुके हैं। यहाँ पे सेल्स डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे इसके प्राइजिंग वगैरह के बारे में बताया गया दोस्तों, बट इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम इसमें इसके सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमें एयर ड्रॉप से मतलब है। तो एयर ड्रॉप के बारे में भी यहाँ पे कुछ अपडेट किया गया, हालांकि कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट इसका यहाँ पर ये सीन हो चुका है कि इसका पब्लिक सेल वगैरह आएगा। जब पब्लिक सेल डेफिनेटली आ रहा है तो लिस्टिंग भी बहुत जल्द यहाँ पे कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे इसका जो पब्लिक सेल वो खत्म होगा उसके बाद ये मेननेट के तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद इसकी लिस्टिंग जो वो हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको अपडेट दिया है उन सभी में आपको सिर्फ ग्रास माइनिंग और यहाँ पे मोमो AI ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी अभी भी इनका जो एयर ड्रॉप है वो एक्टिव है। बाकी 2 अपडेट जो मैंने आपको दिए हैं उनका एयर ड्रॉप खत्म हो चुका है, उनका रिवार्ड के बारे में मैंने आपको अपडेट किया है। तो ये था दोस्तों वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।